हेलो गाइस, मून्स क्रिएटिविटी में आप सबको वेलकम। गाइस, ये जो मेरा प्लांट है ये क्रिसेंथमम का प्लांट है। ये प्लांट मैंने इस 12 इंच के गमले में तीन जो सीडलिंग्स मैं नर्सरी से लाई थी, ये एक है, ये एक है और ये एक, ये तीन सीडलिंग्स मैं नर्सरी से लगा के छोटा छोटा इतने साइज का मैंने सीडलिंग्स ला के इतने इतने साइज का मैंने सीडलिंग्स ला के इसको लगा दी थी ये 12 इंच के पॉट में। तो फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ कि इसको इस पॉट से निकाल के मैं ये जो मेरे वर्टिकल गार्डनिंग का जो पॉट है मैं इसमें इसको ग्रो करूंगी। तीनों को मैं एक साथ इसमें लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं मेरे इस क्रिसेंथमम का फाइनल जो रिपोर्टिंग है वो मैं करने वाली हूँ और इसके लिए कैसा सॉइल मीडिया मैं रेडी करती हूँ और इसमें क्या मैं कौन कौन सी फर्टिलाइजर डालती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना और आप भी अगर विंटर में क्रिसेंथमम यानी कि गुलदाउदी लगाना चाहते हो तो इस तरह से लगा के आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसका रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इसकी मिट्टी को ऐसे गुराई करके हमें इसमें से इसको निकाल लेनी है। तो पहले मैं इसकी मिट्टी को थोड़ा गुराई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके मैंने अपने तीनों प्लांट्स जो है निकाल लिए हैं। मैंने ये तीनों प्लांट्स निकाल लिया है और इसको लगाने के लिए मैं उसी प्लांटर का मिट्टी जिसमें ये लगा हुआ था उसी में से मैंने ये सॉइल ली है, क्योंकि इसको मैंने करीब एक महीने पहले इसको लगाया था उस प्लांटर में, उस पॉट में। तो इस मिट्टी में सब कुछ जो खाद मैंने काउडंग कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट मिलाए थे वो इसमें मिला हुआ है, तो मैं उसी मिट्टी को मैं यूज करूंगी और इसमें अब मैं थोड़ी वर्मी कंपोस्ट नीम खली दो से तीन मुट्ठी की करीब मैंने नीम के एक मिलाई है इसमें। और मैं ये जो मेरे डिकम्पोस्ट किया हुआ काउडंग कंपोस्ट है ये ऐसे टुकड़ों में है, ये डस्ट नहीं है, तो मैं इसमें कुछ ये भी मिला दूंगी। विंटर गार्डनिंग के लिए मैं जितने भी प्लांटर इस साल रेडी कर रही हूँ मैं सारे प्लांटर में कोकोपीट डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दिसंबर में कोलकाता में नहीं रही, आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी, तो मेरे प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं सारे जो मेरे प्लांटर्स हैं उसमें मैं इस साल उसके पॉटिंग मिक्स में, उसके सॉइल मिक्स में मैं ऐसे कोकोपीट मिला रही हूँ। तो यहाँ मैंने करीब 20% की 20% मैंने यहाँ पे कोकोपीट मिला ली है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। क्रिसेंथमम की सॉइल मिक्स रेडी कर ली है। मेरे गार्डन सॉइल में मेरे जो प्लांटर के सॉइल होती है उसपे मैं जो कंस्ट्रक्शन सैंड आता है मैं मिला के रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही चिकनी मिट्टी मिलती है, काली काली रंग का जो चिकनी मिट्टी होता है वो मिलता है। तो मैं मेरे सारे पॉट में जो प्लांट जब लगाती हूँ तब उसमें मैं जो कंस्ट्रक्शन सैंड आता है, और हमारे यहाँ रिवर सैंड भी उतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो मैं कंस्ट्रक्शन सैंड ही यूज करती हूँ। तो मैं कंस्ट्रक्शन सैंड इसमें मिला के रखती हूँ। अब मैं इस जो मैंने जो होल किया है इसमें प्लांटर में इसको मैं टिश्यू नैपकिन से ढक दूंगी। मेरे पास ठिकरी भी नहीं होती है क्योंकि मैं प्लास्टिक की पॉट्स यूज करती हूँ, तो मैं इसको टिश्यू नैपकिन से ढक दूं। तो फ्रेंड्स, ये जो टिश्यू नैपकिन है मैं इसको लगा के यहाँ सारे होल्स को ढक रही हूँ। बस हो गया। अब मैं इसमें ये जो मेरा सॉइल मिक्स है मैं इसमें मिलाऊंगी डालूंगी। तो फ्रेंड्स,
नीम खली आपको हर जो पॉटिंग मिक्स है उसमें मिलाना चाहिए। मैं देख रही हूँ, मैंने पिछली बार मेरे पास नीम खली नहीं थी तो मैंने मिलाई नहीं थी, तो इस जो मिट्टी है मिट्टी में छोटे छोटे काले रंग का जो चीटियां होती है वो हो गया है। तो चीटियों से अगर अपने प्लांट को बचाना है, चीटियां का क्या करते हैं, प्लांट के जो रूट्स है उसको खराब कर देते हैं, उसको खाने लगते हैं। मेरे ख्याल से प्लांट्स के जो रूट्स है वो थोड़ी स्वीट टाइप मीठा टाइप का होता है, तो चीटियां कोई भी जो पेड़ कीड़ा होता है वो इसीलिए उसको खाते हैं। मैं इसे डाल दूंगी, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें मिट्टी भर ली है, अब मैं एक एक प्लांट को लगाती जाऊंगी। फ्रेंड्स अगर मेरी राय मानोगे, मुझसे पूछोगे, तो मैं कहूंगी कि अगर आप लोग क्रिसेंथेमम लगाना चाहते हो और तो मैं कहूंगी कि आप लोग सितंबर की एंड में आप नर्सरी से हर रंग का ये होता है, बहुत सारे इसमें कलर होता है और सिंगल पेटल भी होता है, डबल पेटल भी होता है, वेरिएटेड भी होता है। तो आप नर्सरी में जाके आप छोटे छोटे जो पौध है उसको आप खरीद के लाओ, और पौध को खरीद के आप ऐसे सॉइल मिक्स रेडी करके उसको प्लांटर में लगा दो। उसको लगाने के बाद आप जब 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 इसके नए नए ऐसे शूट निकलेगा ऐसे, उसको आप नीचे से जो 6 लीव्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 लीव्स है मैं यहां से काउंट करूंगी, तो 1 2 3 4 5 6 इसको छोड़ के मैं यहां से इसको कट कर दूंगी। हर 6 लीव्स को आप छोड़ के इसको पिंच करते जाओ तो ये बहुत ही बुशी हो जाएगा, और ये प्लांट जितना बुशी होगा इसका फ्लावरिंग भी उतना ही करेगा, इसका फ्लावर उतना ज्यादा आएगा, जितने सारे ब्रांचेस इसमें होंगे उतने सारे फ्लावर्स भी इसमें लगेगा। तो आप इसको सितंबर के एंड में नर्सरी से छोटा सा इतने साइज का पॉट जो इसका होता है उसको खरीद के लाओ। आप अपने घर में सीड से ग्रो मत करो, और जो नर्सरी में फ्लावर लगा हुआ भी प्लांट बिकता है इस टाइम अक्टूबर के एंड से नवंबर में, ये इस प्लांट में नर्सरी वाले जो इसके देखभाल करते हैं तो फ्लावर इसमें लग जाता है, फ्लावर बर्ड्स भी इसमें आ जाता है। तो उस ऐसे प्लांट उस मत लाओ, आप छोटे से पौध को लाके उसको ऐसे सॉइल मिक्स में लगा के रेडी करके उसको लगा के आप उसको पिंचिंग करते जाओ, और हर 15 दिन में उसको गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, आप चाहो तो आप केमिकल फर्टिलाइजर भी डाल सकते हो, जो पोटाश यूरिया फॉस्फेट आता है ये सब भी आप डाल सकते हो, नहीं तो आप एनपीके जो 19:19:19 या 20:20:20 जो सेम रेशियो का होता है वो डाल सकते हो। और अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालना चाहते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, चाय की पत्ती सुखा के, या फिर बनाना पील फर्टिलाइजर आप इसमें हर 15 दिन में डाल सकते हो। और फ्रेंड्स इसको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए होती है, इसको बस इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी मॉइस्ट रहे, इसको बहुत सारी ज्यादा गीली मिट्टी इसको पसंद नहीं है, बस थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल इसको पसंद है। और देखिए ऐसे मैं इसको पिंचिंग कर दूंगी, अब ऐसे आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, ऐसे जो अपने पिंचिंग किया इसके आप नीचे के 2 लीव्स तोड़ के आप इसको किसी भी आप कोकोपीट में आप इसको ऐसे लगा दोगे तो ये यहाँ से नया नया रूट्स निकल के ये भी आपका प्लांट हो जाएगा। ऐसे मैं
सारे इसको पिंच कर दूंगी। फ्रेंड्स, पिंचिंग करना प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर जितना आप पिंचिंग करोगे प्लांट को, प्लांट उतनी ज्यादा बुशी होगी और उसमें नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और उतनी ही ज्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो प्लांट्स के लिए, फ्लावर प्लांट्स के लिए पिंचिंग करना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत फायदेमंद भी होता है। और फ्रेंड्स, क्रिसेंथमम को फुल सनलाइट चाहिए होती है। इसको आप जहां भी रखो इसको फुल सनलाइट इसको मिले ऐसी जगह पे आपको इसको रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे देखिए मैंने इसके सारे ब्रांचेस जो है पिंच कर दी है। अब इसमें से भी नए नए शूट निकलेंगे और इसको मैं नीचे की पत्तियां, जैसे मैंने आपको दिखाई कि ऐसे करके इसकी नीचे की पत्तियां मैं हटा के इसको सॉइल में नहीं मैं कोकोपीट में इसको लगा दूंगी, तो इसमें से भी रूट्स निकल के ये ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें वाटरिंग कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी क्रिसेंथमम की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है। आप भी ऐसे क्रिसेंथमम को, गुलदाउदी को लाके उसको रिपोर्ट करके, उसको ऐसे पिंचिंग करके, उसके देखभाल अच्छे से करके आप भी विंटर में इसमें से बहुत सारे फ्लावर पा सकते हो। आपका गार्डन, आपका प्लांटर, आपका प्लांट इतना सारे फ्लावर्स से भर जाएगा कि आपका गार्डन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो रिपोर्टिंग वाला वीडियो और मेरी जो ये टिप्स मैं अपनी क्रिसेंथमम में आजमाती हूँ, अगर ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।